साइकिलों की जगह असली महिलाओं को दौड़ाया, वीडियो देख लोग भड़के। जहां दुनिया भर में लोग अपना काम आसान कराने के लिए रोबोट या पुतलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं चीन में इसका उल्टा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर चीन के एक मॉल का ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं अलग अलग कपड़े पहनकर ट्रेडमिल पर वॉक करती हुई नजर आ रही हैं। चीनी रिटेल चेन ने पुतलों की जगह असली महिलाओं को ट्रेडमिल पर चलाकर अपने कपड़े प्रदर्शित किए, ताकि ग्राहक देख सकें कि असल में कैसे फिट और मूव होते हैं। हालांकि चीन के रिटेन चेन की एडवर्टाइजिंग की यह स्ट्रेटजी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इस वायरल वीडियो पर यूजर्स के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। लोगों का मानना था कि इससे महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है और एक पुतले के रूप में पेश किया जा रहा है, जो किसी भी इंसान की गरिमा के खिलाफ है। कुछ लोगों का कहना है कि पुतलों को मॉडल से रिप्लेस करना ठीक हो सकता है, लेकिन मॉडल के साथ पुतले जैसा व्यवहार करना गलत होता है।